हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आई एम सो सॉरी कि ये वीडियो बहुत देर के बाद आ रहा है, बट मुझे ऐसे लगा कि ये वीडियो आना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी वीडियो है। एंड आई होप कि आपने सब्सक्राइब किया होगा, आप नहीं किया होगा तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय कीजिए। सो द थिंग इज, आपने शायद वो रैम क्रॉली के एक्सीडेंट का वीडियो देखा होगा। नहीं देखा होगा तो आई थिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, गो चेक दैट आउट। क्योंकि उस वीडियो में हुआ ऐसा है कि वो इंक्लाइन बेंच प्रेस मार रहा था और उसका जो चेस्ट है वो बोन से अलग हो गया है, मतलब उसका जो पैक है वो बोन से पूरा अलग हो गया है ड्यू टू हेवी वेट, और 1 रेप मैक्स मार रहा था। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था कि वो जो बॉडी बिल्डर है वो कौन है। उस एक्सीडेंट के बाद मैंने गूगल किया एंड देन मुझे पता चला कि वो यूएस का सबसे अच्छा बॉडी बिल्डर था, मतलब है। अरे कहना क्या चाहते हो? आई थिंक सर्जरी भी हुई है, बट इट टेक्स टाइम टू रिकवर। और ऐसा नहीं होता कि वो जो पहले का शेप है वो शेप फिर से आएगा। इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि आप जिम में जो भी एक्सरसाइज करोगे, गो विथ लाइट वेट, ट्राई टू इम्प्रूव योर फॉर्म और टेक्निक। एक को देख के या फिर दूसरे को देख के आप ऐसा मत सोचना कि वो 25 kg डंबल प्रेस मार रहा है, देन वाई नॉट मी। इट्स नॉट लाइक दैट। आप ये देखिए कि वो 2 साल से मेहनत कर रहा है और अब वो 25 kg मार रहा है, और आपने तो अभी दो महीने में एडमिशन लिया है और आप सोच रहे हो कि 25 kg कैसे मारूँ, और आप ट्राई कर रहे हो विथ नॉट इवन प्रॉपर फॉर्म। सो ये गलत बात है। आप ट्राई कीजिए कि अच्छे फॉर्म में, कम से कम वेट में मैं अपना फॉर्म डेवलप करूँ, उससे स्ट्रेंथ डेवलप करूँ। सो जिम करना या फिर बॉडी बिल्डिंग करना एंड ऑल दिस थिंग्स, मतलब जो जिम रिलेटेड है वो मुझे लगता है कि वो एक मैराथन है। आप ट्रीट करिए मैराथन की तरह, जैसे वो लंबी होती है। दिमाग में यही रखना कि एक मैराथन रेस है जहाँ पे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल इतने भी लग सकते हैं रिजल्ट दिखने के लिए, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। एंड प्लीज़, आपको मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डोंट गो हैवी, टू हैवी। एंड 1 रेप मैक्स के लिए तो जाओ ही मत, क्योंकि उसके लिए अलग प्रोग्राम होता है। मेन बात ये कि ईगो लिफ्टिंग करना पूरा बंद कीजिए प्लीज़। एक बार वो वीडियो चेक करना और देन डेफिनेटली यू विल नॉट ट्राई ईगो लिफ्टिंग, क्योंकि वो वीडियो ही ऐसा है कि हर दिल को टच करता है सीरियसली, क्योंकि पूरा उसकी पूरी मेहनत बेकार गई। अब आई डोंट नो कि वो रिकवर अच्छे से होगा या नहीं, बट हम प्रे करेंगे कि ही विल रिकवर सून। सो एक बात आपको बतानी थी, आई जस्ट स्टार्टेड टेकिंग हनी, दिस इज इट। ये डाबर का हनी है और ये आई थिंक मुझे 65 rupees में पड़ा, इस पर 99 है, पर ऑफर चालू थी इसलिए मुझे 65 पे पड़ा। और मैं ये हर सुबह खाली पेट लेता हूँ, 1 चम्मच, कभी कभी 2 चम्मच। एंड इसका रीज़न ये है कि इट बूस्ट योर एनर्जी, एक्चुअली इट बूस्ट योर एनर्जी। मुझे लगता है ऐसा कि सीरियसली ये लेने के बाद कि थोड़ा एनर्जी आया है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट हनी। जस्ट गिव इट अ ट्राई। इट्स 2 PM एंड इट्स टाइम टू हैविंग माई सेकेंड मील, दैट इज़ वो अभी रेडी है और उसे करेंगे। दैट इज़ ऑफ 6 slices ऑफ ब्राउन ब्रेड और 4 पूरे अंडे, ये मुझे इन्जॉय करना है अभी। सो उसके बाद हम गाँव में जाएंगे, मेरे फ्रेंड को गाड़ी लेनी है, दैट इज़ कौन सी है क्या है वो आपको आगे पता चलेगा। सो लेट मी एंजॉय दिस मील, सी यू एट देयर। चल बाय बाय।
तो ये बाइक है जहाँ पे इसका प्राइस बोल रहे हैं 75,000। अभी हमने वो जो बाइक थी वो देखी 200 cc ड्यूक, उसकी प्राइस आई थिंक वो बोल रहे हैं कि 70,000, बट और वो 2012 का मॉडल है, बट दैट इज़ नॉट वर्थ इट कि 2012 के मॉडल पे 70,000 खर्च करें। इट्स बेटर टू गेट न्यू मॉडल अराउंड 2015 या 16 समथिंग, देन वी कैन स्पेंड 70,000 ऑन इट। और उसकी कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, सो अभी सर उनको नहीं बोला। अभी हम 125 सीसी के मॉडल के लिए शोरूम प्राइस देखने जा रहे हैं, लेट्स गो। सो अभी अभी मैं रूम पे आया हूँ जस्ट, और ये जो ओट्स हैं अभी ये पूरे ओट्स आई थिंक 30 grams होंगे, ये मुझे पूरे ख़त्म करने हैं और उसके बाद जल्द से जल्दी जिम जाना है। और ये जो ओट्स हैं वो मेरे रूममेट ने किए हैं मेरे लिए, थैंक्स टू देवीदास, उसका नाम देवीदास। अभी आज हम जिम में बैक और ट्राइसेप ट्रेन करेंगे। आई डोंट नो क्यों मुझे स्पोर्ट्स बाइक पसंद नहीं आती, आई नो कि हर एक की पसंद अलग अलग होती है, बट टू बी ऑनेस्ट माई ओपिनियन इज़ कि एक तो आप स्पोर्ट्स बाइक लेने ही वाले हो तो 1.5-2 lakh में मज़ा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। लेनी है स्पोर्ट्स बाइक तो एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही मतलब जैसे कि यामाहा R1, दैट इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट्स बाइक, वैसी लो विच कॉस्ट अराउंड 20 lakhs। सो आई नो कि उतना बजट नहीं रहता, बट मुझे लगता है और 1.5-2 lakh में लेनी है तो आई प्रेफर विंटेज बाइक्स। बट मुझे लेनी है फर्स्ट बाइक मेरे लिए RX 100। क्या रे चिटिंगा, आई नो कि आपको थोड़ा वियर्ड लगेगा RX 100 बोला तो, बट मेरी चॉइस है। तो मैं इसके साथ वर्कआउट करने वाला हूँ आज, इसका नाम है राहुल गौड़ी। ट्राइसेप बैक, मैं भी ट्राइसेप बैक मारने वाला हूँ आज, और लेट्स सी वर्कआउट क्या होता है।
सो जस्ट डन विथ वॉक, जो मैं डिनर के बाद छतपावली जो मराठी में बोलते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट. अभी तक ये आप वीडियो देख रहे हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स विथ वन हार्ट. और वो 199 सब्सक्राइबर्स हो गए हमारे, और आई वॉन्ट टू नो कि वो 200 सब्सक्राइबर्स कौन होगा. सो लेट मी नो इन द कमेंट्स. जो भी दोस्त आपका ईगो लिफ्ट करता है उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना. और जो भी आपकी क्वेरी होगी वो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर स्नैपचैट पे पूछ सकते हैं. स्टे कनेक्ट विथ मी ऑन इंस्टाग्राम. तो तब तक के लिए हार्डवर्क करते रहेगा, मेहनत करते रहेगा. मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में. सी यू सून.